गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड आप सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और गुड़गांव में तो इतनी ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर अभी 3-4 डिग्री है। और आज ना लाइट भी नहीं आ रही है और ये सैटरडे का ब्लॉग है मेरा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ से जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के ब्लॉग में देखती हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि आज ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बस सुबह से अभी 10 बजे केवल चाय पी है। और आज हमारे यहाँ खाना वगैरह भी नहीं बना है, क्योंकि दिव्यांशु के फादर का आज ऑडिट था कंपनी में, तो फिर उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया। तो ऑडिटर आते हैं ना, तो बाहर से ही खाना ऑर्डर करते हैं या फिर कंपनी की कैंटीन से ही खा लेते हैं। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसा कि ठंडी में मुझे ज़्यादा देर काम ना करना पड़े। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप देखिए, ये टिश्यू लेटा है यहाँ पे कंबल के अंदर में। और अभी मतलब इसका उठने का मन नहीं कर रहा है सुबह से। बस चाय पी ली है इसने, हमने भी चाय ही पी है। अभी कुछ नहीं, बस पूजा वगैरह हुआ है। पोछा भी नहीं लगाया है आज, केवल झाड़ू से ही काम चला रही हूँ, झाड़ू लगाई है। और अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि भूख भी लग रही है। सुबह से बैठे हैं, कुछ काम तो हुआ नहीं था ज़्यादा, तो बस अब ये ना रूम सेट कर देती हूँ पहले, क्योंकि सब ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। और ये पॉलीथीन में बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह रखती हूँ, तो वो सब सही से रख देती हूँ। सब बाहर ही डाल रखे हैं, इनके पापा ने भी ये सब सुबह ऐसे ही फैला रखा था। तो बस ये सब अच्छे से सेट कर देती हूँ, उसके बाद में चलती हूँ किचन में। फ्रेंड्स, ये देखिए बॉल कल दिव्यांशु ने पानी में भिगो के रखी थी, तो ये देखिए कितने बड़ी बड़ी हो गई हैं। ऐसे लग रहे हैं कंचे होते हैं ना, जैसे कंचे जैसे लग रहे हैं। फ्रेंड, अब आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैं बनाऊंगी मूली के पराठे। तो मैंने तैयारी तो करके रख दी थी, आप देख सकते हैं ये मूली रखी हुई है मैंने, सारे मसाले वसाले डाल के। ये देखिए आटा भी लगा के रखा था, सब तैयारी करके रख दी थी मैंने। और फिर नहा ली थी। और आज तो पता है लाइट सुबह से ही गायब है, तो मैंने गैस पे एक इस पे 2 भगोना रखे थे। पानी गर्म किया, फिर नहाई, क्योंकि कान्हा जी की पूजा करनी थी, भोग वगैरह लगाना था, तो फिर नहाना पड़ा। और बच्चे तो कल भी नहीं नहाए थे और आज भी नहीं नहाए हैं, 2 दिन हो गया बच्चे नहा नहीं रहे हैं। और अब बहुत तेज भूख लग रही है, तो बनाती हूँ पराठे और मिलती हूँ आपसे पराठे बनाने के बाद में। ये ऋषु को मूली के पराठे सेक के दे दिए हैं, तो सॉस के साथ में खा रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड है और आज देखिए ये मैंने ना हुडी पहनी हुई है, और ये मेरी नहीं है, ऋषु की हुडी है, तो पहन ली है। और अंदर भी एक स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और मुझे तो ना कल जुखाम भी बहुत ज़्यादा था, और पता नहीं मुझे जुखाम होता है या फिर एलर्जी है, तो उससे भी कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि मुझे मना है और मैं कई बार खा लेती हूँ, तो उससे भी मुझे हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज ना मैंने अपने हेयर भी अच्छे से कंघी नहीं की है, बस ऐसे ही कंघी कर ली है। और क्या बताएं, ऐसी ठंड में ना गाँव में तो फिर भी आग वगैरह जला लेते हैं, लेकिन शहर में तो हीटर ही लगा सकते हैं। बाकी आग जलाएं भी तो कहाँ पे जलाएं, और लकड़ी भी लेके आओ, फिर धुआं वगैरह होता है। तो बस वही है कि ठंड में ना इस बार मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। फ्रेंड्स, मैं पराठे सेक रही थी, तभी ऋषु के पापा का फ़ोन आया और बहुत ही अशुभ समाचार मिला हमें। बहुत ही मतलब ऐसी खबर मिली कि ऐसी मिलनी नहीं चाहिए थी। सुन के विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। मेरे ताऊ जी की बहू, मेरे जो ससुराल में ताऊ जी हैं, उनकी बहू एक्सपायर हो गई, वो भी ट्रेन से, क्योंकि हमारे गांव के बीच से ना रेलवे लाइन निकली हुई है। तो रेलवे लाइन के उस तरफ ना आधा गांव उस तरफ है, तो उधर में मंदिर है, तो वो मंदिर गई थी सुबह सुबह पूजा करने। और फॉग इतना ज़्यादा था कि उनको पता नहीं ट्रेन दिखी नहीं, या हो सकता है शॉल स्वेटर पहने थी, कान वगैरह मतलब बांधी होंगी, तो हॉर्न नहीं सुनाई दिया। क्या हुआ अब कुछ पता नहीं उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, कैसे वो ट्रेन से टक्कर लगी उनको। तो बस उनको टक्कर ही लगी है। वैसे तो ट्रेन के सामने आती तब तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा वो होता, लेकिन उनको ट्रेन से टक्कर ही लगी थी। सिर में चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई और घर पे तो किसी को पता भी नहीं पड़ा। आगे रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन वाले ने वहाँ पे फ़ोन कर दिया। जब गांव में पुलिस वगैरह आ गई तब पता पड़ा कि कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे। तो जब सब लोग देखने गए तब पहचाना कि नहीं हमारे घर से ही थी। तो बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि उनकी अभी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी बच्चे हैं शादी वादी करने के लिए। तो वही है कि जब कोई कम एज में जाता है तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है घर संभालना वो सब। और मैं खुद भी मतलब आप देख सकते हैं कितना इस समय नर्वस हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं घर का काम करूँ कि पैकिंग करूँ। अभी इनका फ़ोन आया है कि फटाफट तुम लोग तैयार हो और देखते हैं हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है ना वो रोड बन रही है, गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। अगर नहीं निकल पाएगी तो कोई कैब बुक करके जाएंगे। ससुराल के रिश्ते से तो वो मेरी जेठानी हैं, बट मेरे मायके वाले गांव से ही हैं, वो मेरे परिवार के ताऊ जी हैं, उनकी ही बेटी हैं, तो मेरी बड़ी दीदी ही हैं। रोड पे जाम भी बहुत है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम और आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाड़ी आगे मतलब बिल्कुल स्लो ही चल रहे हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हम लोग 1:30 बजे घर से निकल पाए थे और पीछे ये रिशु दिव्यांशु देखो आराम से लेटे हुए हैं। और मेरी छोटी सिस्टर है जो निमराना रहती है, वो भी वहाँ से कैब बुक करके वो लोग आ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी रुके हैं हम पेट्रोल डलवाने के लिए और अभी हम लोग रास्ते में आधी रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। हमें लगता है कि हमें शाम के 6 या 7 बज जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हम लोग जाम में फंसे रहे और 1 बजे निकले थे करीब हम लोग। ये एक जगह चाय पीने के लिए रुके हैं हम लोग और ये दिव्यांशु ने ली है कोल्ड ड्रिंक और रिशु भी चाय पी रहा है और कुछ खाने के लिए भी लिया था तो खा रहा है।